डबल शादी कर रहे हो के छोड़ के चले सुबह शादी कर रहा है साला यो एक आदमी को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पकड़ कर कोर्ट कैंपस से थाने की तरफ लेकर जाया जा रहा है और यहाँ पूरी भीड़ है लेकिन कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। इन पर ये इल्ज़ाम है कि ये व्यक्ति अपने पत्नी को छोड़ करके दूसरे के साथ शादी कर रहा है और यहाँ इतनी भीड़ है। अच्छा घसीटने का अधिकार कहाँ से है आपको? अरे भाई तुम पुलिस को बुलाओगे ना, तुम मारोगे, तुम मारोगे नहीं ना, तुम कानून को हाथ में नहीं ले सकते हो। तुम पकड़ के कहीं रखो, तुम कानून को हाथ में नहीं ले सकते हो, तो पकड़ के रखो उसको, तुम कानून को हाथ में नहीं ले सकते हो। कानून तुम्हारे लिए भी उतना ही बराबर है। ये है इन महाशय पर, ये इनकी पत्नी है। क्या मामला है जी, क्या मामला है, क्यों क्यों मारपीट हो रहा है इसके साथ? मारपीट नहीं हो रहा है, कोई मारपीट नहीं हो रहा है। तो आप तो करिएगा ना, भाग रहा है सब, क्या कर रहा है? तो ऐसे जिस तरह से आप घसीट रहे हैं ये मानवीय पहलू नहीं है। नहीं जा रहा है, इज्जत से नहीं जा रहा है, इज्जत से नहीं जा रहा है, कुछ भी हुआ आपके साथ क्या है? अभी तुमको क्यों पकड़ के घसीटा जा रहा है? तुमको पकड़ के क्यों घसीटा जा रहा है? अरे उसके लिए कानून है ना, उसके लिए पुलिस आएगी। आप किसी को पकड़ के ऐसे नहीं मार सकते हैं। अरे अरे थाना को बुलाओ यहाँ पे। अरे सुनो, सुनो ना, तुम घसीटोगे नहीं, तुम थाना को बुलाओ। तुम इस तरह से घसीट के जिस तरह से तुम ला रहे हो, अगर इसका हार्ट अटैक हो जाएगा, अगर ये मर जाएगा तो क्या होगा? इतने बड़े कोर्ट कैंपस में अब तक कोई पुलिस वाला यहाँ पर नहीं है और एक व्यक्ति को 5 लोगों द्वारा लगातार घसीटा जा रहा है। नहीं, आप थाना को फोन करिए, थाना यही आएगी, आप घसीट नहीं सकते। आप सुनिए, अरे आपके पति हैं तो क्या आप मारेंगे उन्हें? सुनिए, एक्सक्यूज मी, आपके पति हैं तो क्या आप पिटवाएंगे इनको? आप सरेआम खींचेंगे इनको? सबके लिए कानून है ना। आप आपको लगता है तो आप कोर्ट में इनको पेश करिए, आप पुलिस को बुलवाइए। क्या दिक्कत है आपसे? क्या दिक्कत है? अच्छा रुको, अरे रुको, मारा सर हम लोगों को, क्यों मारे हो? क्या मामला है जी, क्यों मार रहे हो? क्यों मामला? मार नहीं, मारपीट नहीं करोगे। क्या मामला है जी, क्या मामला है? क्या मामला है जी? हाँ, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? पुलिस बिक चुकी है, तो पुलिस बिक चुकी है, तो आप ऑन द रोड फैसला करिएगा, तो थाना पर घसीट के ले जाइएगा आप इनको। नहीं जा रहा है, इज्जत से तो मार के ले जाइएगा आप। आप इतने सारे लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, अगर यही मानवीयता होगी तो कल कोई भी क्रिमिनल किसी को उठा के यूं ही ले जाएगा। आप सुनो, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हारी पत्नी है, ये तुम्हारी पत्नी है। अच्छा, तो थाना को बुला लो। अरे इसको पकड़ के रखो, तरीका ये भी है कि तुम इसको पकड़ के रखो और थाना को बुला लो। ये तरीका है, आप देख सकते हैं कि बहुत देर से एक व्यक्ति को कोर्ट न्यायालय कैंपस से घसीट कर 4 लोगों द्वारा लेकर आया गया है। सब कुछ लाइव चल रहा है, नहीं मालूम है, तमाम लोगों को सबको बराबर अधिकार है। जिस तरीके से इसको आप खदेड़ रही थी, इसका हार्ट अटैक हो जाता। पत्नी पति को घसीटेगी ऐसे? नहीं, आप साला है तो आप घसीटिएगा ऐसे? हम लोग को बोला कानून सबके लिए बराबर है, पुलिस आई की नहीं आई है, ये हाल है। जी हाँ, और पिछले 15-20 मिनट से सीतामढ़ी के कोर्ट कैंपस में ये हालात चल रहे हैं। अब तक किसी भी पुलिस वालों का कोई अता पता नहीं है। धवाज़ो बिहार।
इस वक्त सीतामढ़ी के डुमरा एसडीओ से मिलने आया था और ये देखिए ये ऐसे हालात है, लॉ एंड ऑर्डर का ये हाल है। आप अगर पत्नी है या फिर आप अगर ससुराल के लोग साले हैं तो पुलिस की मदद लीजिएगा ना। अब पुलिस आई है पिछले 15-20 मिनट से। अरे 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 उनको भी लिया, मारो मत मारो मत मारो मत, ए ए पुलिस वाले मारो मत उसको, मारो मत उसको, सुनो सुनो सुनो, उन लोगों को पकड़ो जो लोग लिया, अरे अरे उन लोगों को पकड़ो, उन लोगों को पकड़ो, उनको ही पकड़ो जो लोग इनको मार रहे थे, घसीट रहे थे। ए भाई साहब उसको भी पकड़वाइए, अरे अरे जो लोग इसको घसीट के लेके जा रहे थे उनको भी पकड़ो। अरे भाई अरे उन लोगों को लेके जाओ, अरे इनकी पसंद को बैठा लो, बैठा लो, अरे उनको भी बैठा लो, पत्नी को बैठा लो, बैठा लो, ए भाई साहब, ए भाई साहब, और उनके साथ जो लोग हैं उनको भी लेके जाइए, उनको भी, अरे भैया, अरे जो लोग मार रहे थे उनको भी लेके जाइए। अरे ऐसे होगा तो कोई गुंडा किन्नर किसी को उठा के ले जाएगा, कुछ भी बोल देगा ले जाएगा उठा करके। ये है कानून सीतामढ़ी के डुमरा कोर्ट कैंपस के पास, कोर्ट कैंपस से एक व्यक्ति को 5-7 लोग उठाते हैं और घसीट कर लेके जाते हैं रोड पर, घसीटता हुआ, मेरे पास और भी वीडियो है जो ऑफलाइन रिकॉर्ड है, और घसीट करके तकरीबन 0.5 किलोमीटर उन्हें घसीटा जाता है कि हम इसे थाना लेके जा रहे हैं, और सारे लोग मुख्य दर्शक बनकर देखते हैं। याद रखिए कोई क्रिमिनल किसी को यूं ही उठाएगा और कोई भी आरोप लगा करके उसको जब घसीटता हुआ लेके जाएगा तो हो सकता है कि आपकी हत्या हो जाए, आपके साथ गैर कानूनी काम हो जाए।